नमस्कार, एवन न्यूज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, अब तक 79 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो 4,35,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान, वहीं 41 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना का कहर जारी, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 3,32,000 के पार, अब तक 9,520 मरीजों की हुई मौत, तो वहीं 1,69,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। दिल्ली में कोरोना का कहर, हालात से निपटने के लिए अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सभी पार्टियों के अध्यक्ष शामिल। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी के बीच अर्थव्यवस्था पर होगी चर्चा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने देंगी व्याख्यान। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का बड़ा ग्राफ, आज 78 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12,700 के पार, तब तक कोरोना से 294 लोगों ने गवाई जान।